नमस्कार बच्चों, कक्षा 9वीं हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। व्याकरण के अंतर्गत कई पाठों का अवलोकन, मूल्यांकन, मनन, चिंतन, गहन अध्ययन हम कर चुके हैं। अब उसके आगे चलते हैं तो आज की जो इकाई है इस कक्षा के अंतर्गत जो आज को आपको समझाया जाएगा वह इकाई है उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग जो किसी भी शब्द के पूर्व में लगते हैं, उप मीन्स पूर्व, पहले, किसी भी शब्द के पहले लगने वाले जो शब्दांश होते हैं, शब्दों के हिस्से होते हैं, वे जो होते हैं उन्हीं को उपसर्ग कहा जाता है। और उपसर्ग क्या करते हैं, किसी भी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में एक अनोखा अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। वो अर्थ जो होगा वो सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी हो सकता है। जैसा उसका स्वभाव होगा, जैसे उपसर्ग का अर्थ निकलेगा, अगर सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो वह सकारात्मक अर्थ देगा, और अगर नकारात्मक है तो नकारात्मक अर्थ देगा। तो आइए चलते हैं हम उपसर्ग की तरफ, एकाग्रता से इसे समझने का प्रयास करिए। परिभाषा की ओर चलते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश कहलाते हैं, शब्दांश में ध्यान दीजिएगा, शब्दों का हिस्सा, जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं, अंतर ला देते, परिवर्तन ला देते। जैसे उपसर्ग क्या है, कु, और शब्द क्या है, पुत्र। पुत्र शब्द का जो अर्थ है वह है संतान, बेटा, परंतु कु जुड़ जाने से कु उपसर्ग है। अगर कु जुड़ गया तो कुपुत्र, खराब पुत्र। देखिए, नवीन शब्द बना कुपुत्र, उपसर्ग कु शब्द पुत्र, नया शब्द बनेगा कुपुत्र। कु शब्दांश है जिसका अर्थ है बुरा, और पुत्र का अर्थ है बेटा। उपसर्ग से मिलकर बुरा पुत्र, ऐसे अर्थ युक्त शब्द का निर्माण कर देता है उपसर्ग। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा कि जो उपसर्ग होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी अच्छे व्यक्ति के सामने कोई बिना सोचे समझे बुरे अर्थ वाला उपसर्ग लगा दिया गया तो उसकी गुणवत्ता को वो खराब कर सकता है। इतना इसमें दम है, इतना इसमें शक्ति है, इतनी इसमें सामर्थ्यता है। तो उसको आगे देखें, हम दूसरा भी रूप देखिए। उपसर्ग केवल सकारात्मक ही नहीं बल्कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में बदलाव करते हैं। जैसे अभी हमने आपने देखा कि कु में पुत्र और पुत्र के साथ में कु जोड़ देने से बुरा पुत्र बन गया, उसी प्रकार सु उपसर्ग जोड़ देने से सुपुत्र बन गया, मतलब सुंदर, अच्छा, सुशील, सभ्य बेटा। अर्थ देखिए, सु अर्थात अच्छा पुत्र अर्थात बेटा, उपसर्ग के संयोग से सुपुत्र, अच्छा बेटा, ऐसे अर्थयुक्त शब्द का निर्माण कर देता है उपसर्ग। तो उपसर्ग अगर सकारात्मक और अच्छा रहा तो अच्छा रूप बताएगा, नकारात्मक रहा तो नकारात्मक रूप बताएगा। अब कोई पुत्र यदि अपने माता पिता को दंड देता है, उन्हें कष्ट देता है, मारता है, पीटता है, वहां पर अगर आप सुपुत्र का प्रयोग करेंगे तो उचित नहीं हो, वहां उस पुत्र को आप कुपुत्र ही बोलेंगे। और अगर अच्छा कर्म कर रहा है कोई और उसे आप कुपुत्र बोल दे तो भी उचित नहीं होगा। इसलिए उपसर्ग का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना है कि वह उसके गुण कर्तव्य से मिलता जुलता है या नहीं, इसलिए उपसर्ग का अर्थ समझना आवश्यक हो जाता है। आगे देखिए, सबसे पहले उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और किस किस में होते हैं। तो सबसे पहले देखिए संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं प्रपरा, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, कु, नि, अधि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, परा, सम, प्र। ये कुल मिलाकर के संस्कृत के वो उपसर्ग हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। और भी है उपसर्ग संस्कृत के इसमें, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रायः न के बराबर होता है।
अतएव जो मुख्य हैं वो ये मुख्य है उपसर्ग। तो ये आपको उपसर्ग ध्यान में रखने हैं, सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा यदि आप इन्हें रट ले तैयार कर। आगे अब इनके देखिए, तो उपसर्ग जो हमने अभी अभी पढ़े उनके मीनिंग क्या है, उनके अर्थ क्या है और उनके उदाहरण। तो जैसे प्रउपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है, अधिक या फिर आगे। अब उदाहरण देखिए, प्रगति प्रभार प्रसिद्ध प्रताप प्राचार्य, ऐसे ढेरों आप उदाहरण अपने मन से भी बना सकते। परा शब्द है, परा उपसर्ग है, विपरीत इसका अर्थ है, पराभव पराक्रम पराजय पराधीन। फिर आगे देखिए, अनु उपसर्ग है, पीछे या बाएं में, ठीक है, इसका अर्थ है और अनुकरण अनुपस्थित और अनुसार, ये इसके उदाहरण है। अब बुरा या ही, अवतरण अवनति अवशेष अवगुण। फिर इसी प्रकार निस, इसका उपसर्ग है, रहित निषेध बिना, ये अर्थ है, निस्संदेह निस्तेज निस्सार निष्काम। अब यहां एक चीज है, यहां स सकर का है, यहां षटकोण का है, तो ये आगे जो शब्द होता है, अक्षर होता है, इस अक्षर के हिसाब से संधि के रूप में सा को शा या शा हो जाता है। आगे देखिए, निर रहित निषेध बिना, ये निर के अर्थ है, निर्दोष निर्गुण निर्जन निर्धन निर्मल, ये उस उपसर्ग से बने हुए उदाहरण है, इन्हीं के जैसे आप ढेरों शब्द बना सकते। फिर दुष, बुरा या कठिन, दुस्साहस दुस्साध्य दुष्कर्म दुष्कर। आगे देखिए, दुर दुर अर्थात बुरा व कठिन, दुर्दशा दुर्दिन दुर्गुण दुर्गति दुर्भाग्य। फिर आगे देखिए, वी, इसमें अर्थ होगा विशेषता अभाव, विनाश वियोग विलक्षण विपक्ष। अब यहां देखिए, विनाश नकारात्मक, वियोग बिछड़ना, या ये भी कह सकते हैं कि योग संयोग योग वियोग, ठीक है, विलक्षण विलक्षण मतलब अद्भुत, और विपक्ष विरोध पक्ष। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अर्थ निकल सकते। आगे देखिए, कु उपसर्ग है, बुरे अर्थ के, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होगा, इसमें कुमति की योग कुमार कुकर्म कुपात्र। फिर आगे नी, इसका उपसर्ग है, निषेध निपुणता, इसका अर्थ है निषेध निवास निवारण नियोग। आगे देखिए, अभी इसका उपसर्ग है, सामने या फिर चारों ओर, इसका अर्थ है अभिशाप अभिमान अभिभाषण अभ्यास। अति उपसर्ग है, बहुत कठिन, अर्थ है अतिशीघ्र अति प्राचीन अत्यंत अत्याचार। सु इसका उपसर्ग है, अच्छा सहज अर्थ है, सुसमय सुयोग सुपथ सुबोध सुपात। उत उपसर्ग है, ऊंचा श्रेष्ठ या ऊपर अर्थ है, उत्कंठा उत्तम उत्थान उद्गम। अधि उपसर्ग है, ऊंचे श्रेष्ठ, ऐसा अर्थ है, अधिकार अध्यादेश अत्यधिक अधीश। प्रति उपसर्ग है, हरेक विरुद्ध सामने, इसका अर्थ है प्रतिनिधि प्रत्यक्ष प्रतिवादी प्रतिक्षण। परि इसका उपसर्ग है, और चारों ओर, इसका अर्थ है परिताप परिणय परिवर्तन परिपूर्ण। ये उदाहरण है। अप उपसर्ग है, अनुचित या बुरा, इसका अर्थ है अपघात अपकीर्ति अपयश अपशब्द, ये इसके उदाहरण। अब हम चलते हैं दूसरे रूप में। ये थे हमारे संस्कृत के ऐसे उपसर्ग जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे रूप में देखिए, हिंदी के स्वयं के अपने ऐसे उपसर्ग जो ज्यादातर प्रयोग होते हैं। उपसर्गों में देखिए, अन स अध बिन उन नी भर अव सु चौ पर दु क अ, ये उपसर्ग है। उपसर्ग को याद रखने के लिए ये इस प्रकार का रूप आपको दिया गया है कि ऐसे आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ लर्न हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं। अर्थ देखिए, अन निषेध और अभाव, अनपढ़ अनमोल अनजाना अनबन अनकहा अनहोनी। फिर ऐसे देखिए, सा और सु, सहित और अच्छा, इसका अर्थ सकुशल सचेत सकाम सुसंस्कार सुडौल सुकन्या। अध उपसर्ग है, आधा अर्थ है अधखिला अधपका अधमरा अधजला अधबीज। बिन उपसर्ग है, रहित अर्थ है बिन खाया बिन मांगा बिन ब्याहा बिन बात बिना विरोध। फिर आगे उन अर्थ है एक कम, ऐसा इसका अर्थ है
उन्नीस उनतीस उनचालीस उनसाठ उनाकोटि। गिनती के अंतर्गत नौवें नंबर पर हर संख्या हर लाइन की, चाहे वो एक की हो, ग्यारह की हो, इक्कीस की हो, इकतीस की हो, इकतालीस की हो, इक्यावन की हो, ये सभी लाइनों की जो नौवें नंबर क्या है वो नौ उन्नीस उनतीस ये सभी इसी उपसर्ग से सजाए रागे। नी उपसर्ग है, रहित अर्थ है, निडर निकम्मा निहत्था निधड़क निठल्ला निधाय। भर उपसर्ग है, भरपेट भरभार भरकस भरसक भरपूर भरताकत। औ और अव ये उपसर्ग है, हीन अर्थ है। अवगण औरत अवधर अवगुण अवरोध अवतार ये इसके उदाहरण है। चौ चौ का मीनिंग होता है चार, चौराहा चौकन्ना चौपाई चौमासा चौमुख चौतरफा। पर उपसर्ग है, दूसरा दूसरी पीढ़ी ऐसा अर्थ है। परदादा परदादी परनाना परदेश परदारा परदोष ये इसके उदाहरण। दु उपसर्ग है, कम आवरण दो ये तीन इसके अर्थ है। दुबला दुस्साध दुवन्नी दुशाला दुराह दुरु। कु और का ये उपसर्ग है, बुरा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं ये। कुचाल कुचक्र कुख्यात कुढंग तुरूप कपूत। रागे औपसर्ग है, कमी इसका अर्थ है। अभाव अलग अथाह अमर अज्ञान अभागा अधर्म ये इसके स्वरूप थे जो आपने हिंदी के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों के बारे में देखा। अब हमारे पास है उर्दू और फारसी के उपसर्ग जो हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रयोग होते हैं और उन्हें ज्यादा मात्रा में शब्दों के लिए शब्द रचना में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनका भी स्वरूप हमें आना चाहिए। तो ये भी आपको तैयार कर लें। एन कम खुश यहाँ शाह शक्कर का कर लीजिए। खुश दर ना अब बा बद बा बिला बे ला सर हम हर गए ये इसके उर्दू और फारसी के जो उपसर्ग हैं वो है। अब इनके अर्थ देखिए। एन ठीक पूरा अर्थ, एन वक्त एन मौका, कम उपसर्ग थोड़ा हीन कमजोर कम कीमत कम अक्ल कम वक्त कम उम्र। खुश उपसर्ग है अच्छा, इसका अर्थ है खुश नसीब खुश दिल खुशबू खुश मिजाज खुश किस्मत ये उदाहरण है। गैर अर्थ है भिन्न, गैरत गैर हाजिर गैर सरकारी गैर कानूनी गैर जिम्मेदार। ना उपसर्ग नहीं इसका अर्थ नालायक ना पसंद ना समझ ना बालिग ना उम्मीद। बा उपसर्ग है साथ, इसका अर्थ है बदौलत बनाम बगैर बखूबी बद बतहमी बतहजीब। फिर इसके बाद बद बद का देखिए तो बुरा इसका अर्थ है बदसूरत बदतमीज बदकिस्मत बदबू बददुआ। बा इसका उपसर्ग है सहित, अर्थ है बाइज्जत बाकायदा बाअदब बाउजूद। फिर बिला उपसर्ग है बिना, इसका अर्थ है बिला वजह बिला नागा। बे उपसर्ग है अभाव अर्थ में बेदखल बेवजह बेदाग बेअक्ल बेकसूर बेइज्जत। ला उपसर्ग है बिना अर्थ में लाजवाब लावारिस लाचार लापरवाह लाइलाज। सर उपसर्ग है मुख्य अर्थ में है और सरताज सरपंच सरहद सरफरोश। हम साथ के अर्थ में हम सफर हमराही हमजोली हमदम हमउम्र हमराज। हर प्रत्येक अर्थ में हर माह हर साल हर दिन हर गम हर दिल हर संभव ये आपके उर्दू और फारसी के ऐसे उपसर्ग थे जो ज्यादातर हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रयुक्त होते। अब संस्कृत के कुछ ऐसे अव्यय हैं, उपसर्ग नहीं है अव्यय हैं, जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से हैं? अलम विचार तिरस परम पुनः पुरस पुरा प्रादुर बहिस सत सम रा सह और स्व ऐसे उपसर्ग हैं। ये उपसर्ग के रूप में गिने जाते हैं, ऐसे शब्द हैं ऐसे अव्यय हैं जिन्हें उपसर्ग के रूप में देखा जाता है। अलम तो बहुत के अर्थ में अलंकार अलंकरण इत्यादि, चिर बहुत देर के अर्थ में चिरंजीवी चिरस्थाई के अर्थ में इत्यादि, फिर तिरस निषेध के अर्थ में तिरस्कार तिरोहित तिरोभाव, पर अन्य के अर्थ में तो पराधीन परलोक प्रमुख प्रदेश, पुनः फिर से अर्थ में पुनराभ्यास पुनरागमन पुनरावलोकन, पुरस शब्द पुरस जो अव्यय है सामने के अर्थ में पुरस्कार पुरस्कृत, पुरा जो है वह पहले के अर्थ में है पुरातात्विक पुरातन पुरातात्विक पुरातन पुरातत्व पुरावृत्त इसको पूरा करिएगा। प्रादुर्भाव
प्रकट होने के अर्थ में, प्रादुर्भाव प्रादुर्भूत, बहिष् बाहर जाने के अर्थ में या बाहर के अर्थ में, बहिष्कृत बहिष्कार, बहिर्गमन बहिरंग, सत के अर्थ में सच्चे और अच्छे के अर्थ में सज्जन सद्गति सदाचार सत्पुरुष, सम के अर्थ में तो समकोण समतुल्य समकालिक, फिर आगे है सह सात के अर्थ में सहयोग सहवास सहचा सहचर सहपाठी सहमति, स्व वयम स्वयं के अर्थ में स्वजन स्वचलित स्वराज्य स्वदेश और स्वतंत्र। तो ये हमारे सभी उपसर्ग थे जो चार खंडों में बटे हुए हैं और इनको समझना परम आवश्यक है। इसलिए इन उदाहरणों के आधार पर आप इन्हें बार 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 अच्छी तरह से समझें और उपसर्ग को अलग करने का प्रयास करें। आगे देखिए अभ्यास कार्य में निम्नलिखित उपसर्गों से शब्द निर्माण कीजिए। ये उपसर्ग दिए हुए हैं, इनसे आपको तीन तीन शब्द बनाने हैं मन से, देखकर नहीं। प्रा सु कु अप गैर बा पुनः अधिक सुजन उन। फिर आगे देखिए निम्नलिखित उपसर्गों से शब्द निर्माण कीजिए। इन दोनों शब्दों को, ये उपसर्ग हैं और ये शब्द हैं, इन दोनों को जोड़कर नए शब्द का निर्माण कीजिए। फिर आगे है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। ये सब एक साथ है, इनको आपको अलग अलग पार्ट में करना है कि इसमें उपसर्ग क्या होगा, ठीक है। इसको गैर करिएगा, गैर, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा और शब्द क्या होगा, ये आप पूरा करके तैयार करें और इसको अच्छी तरह से देखें। जो भी कष्ट होते हैं वो समस्याओं के साथ में संपर्क करें। धन्यवाद।